दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग से आप अपना पैसा 100 गुना भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 1000 लगाकर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आप 100000 भी कमा सकते हैं, और अगर आप 100000 लगाकर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आप 1 करोड़ भी कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यकीन भी हो जाएगा और आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना सीख भी जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मैं आपको लाइव ऑप्शंस ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, लेकिन अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म में समझाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो मान लीजिए कि मेरे पास XYZ नाम का एक शेयर है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज़। अब आपको लगता है कि अगले हफ्ते इस शेयर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है जिसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़कर 200 रुपीज़ हो जाएगी, लेकिन आपको ये भी डर है कि अगर वो न्यूज़ नहीं आई तो इसकी प्राइस गिरकर 50 रुपये भी हो सकती है। तो आप मेरे पास आए और आपने मुझे कहा कि अगले हफ्ते मैं ये शेयर आपसे 100 रुपये में खरीदूंगा, चाहे इसकी प्राइस कुछ भी हो। तो मैंने कहा कि अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो मैं आपको 100 रुपये में क्यों दूंगा। तो आपने कहा ठीक है, मैं आपको अभी 20 रुपये दे देता हूँ, इस 20 रुपये के बदले मुझे बस ये राइट चाहिए कि अगले हफ्ते इसकी प्राइस कुछ भी हो आप ये शेयर मुझे 100 रुपये में ही देंगे। तो मुझे 20 रुपये मिल रहे थे तो मैंने हाँ कर दी। अब नेक्स्ट वीक मान लो वो न्यूज़ आ गई और XYZ शेयर की प्राइस बढ़कर 200 हो गई, तो मुझे आपको वो शेयर 100 में ही देना पड़ेगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा 80 रुपीज़ का, क्योंकि 20 रुपीज़ तो आप मुझे पहले ही दे चुके हैं। और मान लो उस न्यूज़ के साथ 4-5 न्यूज़ और आ गई जिसकी वजह से उस शेयर की प्राइस बढ़कर 500 हो गई, तब भी मैं वो शेयर आपको 100 रुपये में ही दूंगा, तो आपको इस केस में 380 रुपये का फ़ायदा होगा। मान लो और भी कुछ बड़ा हो गया और उस शेयर की प्राइस बढ़कर 1,00,000 रुपये हो गई, तब भी मैं वो शेयर आपको 100 रुपये में ही दूंगा, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा उसकी लिमिट नहीं है। लेकिन मान लो वो न्यूज़ नहीं आई और उस शेयर की प्राइस गिरकर 50 रुपये हो गई, तो अब आप मेरे पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप वो शेयर 100 रुपये में खरीदेंगे तो 20 रुपये तो आप पहले ही दे चुके हैं, और आप 100 रुपये में वो शेयर बाय करेंगे तो आपको 70 रुपीज़ का लॉस होगा, और अगर आप बाय नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ का लॉस होगा। अब सेम सिचुएशन में मान लो वो न्यूज़ नहीं आई बल्कि 2-3 बैड न्यूज़ आ गई और उस शेयर की प्राइस गिरकर 10 रुपये हो गई, तो अगर आप इस सिचुएशन में XYZ शेयर को बाय करते हैं तो आपको 110 रुपीज़ का लॉस होगा, जबकि आप इस सिचुएशन में भी नहीं आएंगे और उस शेयर को बाय नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ का लॉस होगा। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको कितना लॉस हो सकता है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन कितना प्रॉफिट हो सकता है वो फिक्स्ड नहीं है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1000 रुपये लगाते हैं तो वो 1,00,000 रुपये भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने थ्योरेटिकली समझा था, अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको 2 बातें क्लियर कर देना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहला है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा रिस्की होती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें 1 घंटे में आपका पैसा 100 गुना भी हो सकता है तो उसके उल्टे 0 भी हो सकता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इवन जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या मिलेगा, 10% 20% 50% के रिटर्न्स, लेकिन यहाँ पे 100% के रिटर्न्स तो 5 मिनट में ही मिल जाते हैं। इवन आगे आप एग्जाम्पल देख ही लेंगे तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप उतना ही पैसा लगाइएगा जितना आप भूलने के लिए तैयार हैं, वो भी अपने रिस्क पर। और दूसरा, हर डीमैट अकाउंट से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इवन कुछ बड़े ब्रांड भी हैं जिनमें ऑप्शंस ट्रेडिंग का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ज़ीरोधा या एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट यूज़ करते हैं तो आप आसानी से ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इनमें भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला सेगमेंट एक्टिवेट करना होगा। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको 30 दिन तक ब्रोकरेज भी नहीं देना होगा। इसके अलावा आप अपस्टॉक्स में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पर भी अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल ब्रोकिंग में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहाँ ज़रूर खुलवा लीजिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग और मैं खुद भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं आपको बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सभी ऐप में ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का एक ही तरीका है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कोई एक ही एग्जांपल दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं आपको ज़ीरोधा के ऐप में करके दिखा रहा हूँ। ज़ीरोधा को यूज़ करने के पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, आप एंजल ब्रोकिंग में भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनली फेवरेट एंजल ब्रोकिंग ही है, लेकिन ज़ीरोधा में बहुत टाइम से फंड पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा ऑप्शंस ट्रेडिंग में उसका यूज़ कर लेता हूँ, इसलिए मैं ज़ीरोधा का ऐप यूज़ करके आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ।
सो दोस्तों, हम अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो हम इन दोनों में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मिनिमम 75 शेयर्स खरीदने होते हैं, क्योंकि इसका लॉट साइज है 75। और अगर आप 75 से ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको 150 खरीदने होंगे, यानी कि 75 के मल्टीपल्स में ही आपको शेयर खरीदने होंगे। और अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसका लॉट साइज है 25, यानी कि आपको मिनिमम 25 शेयर्स खरीदने होंगे। और अगर उससे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो 50, उससे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो 75, यानी कि आपको 25 के मल्टीपल्स पे शेयर खरीदने होंगे। तो अभी आपको एक बात क्लियर हो चुकी है कि यहां पे आपको लॉट के हिसाब से शेयर खरीदने होते हैं। निफ्टी का लॉट साइज है 75 और बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25। तो क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक चल कितना रहा है। तो यहां पे अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 35,654। अब जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी कुछ और चल रहा होगा, तो वो आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि 35,654 चल रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो 35,700 की तरफ जाएगा, या फिर बैंक निफ्टी घटेगा, अगर घटेगा तो 35,600 की तरफ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो बढ़ने को कहते हैं कॉल, यानी कि आपको कॉल ऑप्शंस खरीदना होगा। और अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी घटेगा तो इसका मतलब है पुट, यानी कि आपको पुट ऑप्शंस खरीदना होगा। तो अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो आपको सर्च करना होगा बैंक निफ्टी, उसके आगे आपको वो नंबर लिखना होगा जितना आपको लगता है कि बढ़ेगा। जैसे कि इस केस में 35,654 चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 35,700 जाएगा, तो मैंने लिखा है बैंक निफ्टी 35,700, इसके आगे सी लिखा है, सी मीन्स कॉल, और पुट के लिए हमें लिखना होता है PE। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं। तो क्योंकि अभी फरवरी का मंथ चल रहा है तो सबसे ऊपर एक फैब वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी वाला होता है और ये बहुत महंगा होता है। जैसे कि यहाँ पे 1,000 रुपये का एक चल रहा है, अगर आपको ये खरीदना है तो आपको कम से कम 25,000 रुपये खर्च करने होंगे। तो इतना महंगा हर कोई नहीं खरीद सकता और आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं है। तो इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है 11th फरवरी 35,700 कॉल, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वीकली एक्सपायरी का है, हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। और इसके नीचे आ रहा है 18th फरवरी का ऑप्शन, यानी कि ये नेक्स्ट वीक का है। तो आपके पास जो सबसे पहला वाला थर्सडे है आपको वही वाला खरीद लेना है। तो यहाँ पे आता है बैंक निफ्टी 11th फरवरी 35,700 का कॉल, बट यहाँ पे इसकी प्राइस भी अभी 646 रुपीज़ चल रही है। तो अगर आप इसे बाय करते हैं तो इसका एक लॉट आपको पड़ेगा 16,166 रुपीज़ का, यानी कि आपको मिनिमम 16,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन इतना रिस्क भी हर कोई नहीं ले सकता, बट ये इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी एक्सपायरी को अभी पूरे 4 दिन है। 4 दिन में सिर्फ 50 पॉइंट बढ़ना है तो बैंक निफ्टी बहुत आसानी से बढ़ जाएगा, यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो अगर आप 2-3 हज़ार रुपये लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप थोड़ा दूर का खरीदिए, जैसे कि यहाँ पर हम 35,700 का कॉल देख रहे हैं ना, तो आपको उससे काफ़ी दूर का देखना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने चेक किया है 37,800 का कॉल 105 रुपीज़ का है, तो अगर हम इसको बाय करते हैं तो ये 2,600 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा इसका एक लॉट। लेकिन इतना ज़्यादा दूर पहुँचने के चांसेस कम भी तो हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उस दिन ट्रेडिंग करें जिस दिन उसकी एक्सपायरी हो, या फिर उससे एक दिन पहले, क्योंकि उस दिन टाइम कम होता है तो उस समय प्राइस भी कम हो गई होती है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। मैं मानता हूं थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन क्या करूं यार, इससे ज़्यादा आसान तरीका हो भी नहीं सकता ऑप्शन ट्रेडिंग को समझाने का। तो बस मैं एक ही काम कर सकता हूँ, आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखा सकता हूँ। तो जिस दिन मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की थी उस दिन तारीख थी 28 जनवरी और दिन था थर्सडे का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है, तो आप कम पैसों से भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और 28 जनवरी मंथ का लास्ट थर्सडे था, तो वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी उस दिन सेम ही होती है। तो ये वक्त था बजट के आने के पहले का, और बजट के आने से पहले रोज मार्केट गिर रहा था, तो मुझे पता था कि आज भी मार्केट गिरेगा, इसलिए मैंने पुट खरीदा। तो पुट में जितना ज़्यादा मार्केट गिरता है उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होता है। तो पुट खरीदने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना है कि अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है। तो उस वक्त बैंक निफ्टी 29,800 के आसपास चल रहा था, तो मैंने एक तरह से ये कहा है कि बैंक निफ्टी 29,500 तक जाएगा, तो इसलिए मैंने सर्च किया बैंक निफ्टी 29,500 का PE लिखा है, PE मींस पुट। तो ये जनवरी का एंड था, तो मैंने जनवरी वाला ही सेलेक्ट करना है। तो इसकी प्राइस लगभग 70s में चल रही है और बहुत जल्दी चेंज हो रही है। अब मेरे पास यहाँ पे जो फंड है वो लगभग 7,500 रुपीज़ का है, तो मैं 100 खरीदने की सोच रहा हूँ, तो तब तक प्राइस 85-86 तक चली गई, तो मैंने 75 क्वांटिटी ही बाय किया।
और ये 75 क्वांटिटी खरीदने के लिए मैंने लगभग 6,500 रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे थोड़ा सा लॉस चल रहा है, -200 रुपीस -100 रुपीस -300 रुपीस -300 रुपीस, ये मेरा लॉस चल रहा है यहाँ पे। 400 रुपीस तक मेरा लॉस जा चुका है। मैंने 6,500 रुपीस इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे पूरा लॉस भी हो सकता है। आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी जल्दी प्राइस चेंज हो रही है, तो ये 2 रुपए पे भी आ सकता है, 10 पैसे पे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मार्केट बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी भी बढ़ रहा है, इसलिए मेरा लॉस भी बढ़ रहा है। अगर मार्केट गिरेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा और मैं प्रॉफिट में आ सकता हूं। तो अभी तो ये बढ़ ही रहा है, मैं इसका ग्राफ भी देख सकता हूं, लेकिन मैं यहीं से चेक कर ले रहा हूं तो मुझे ग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप चाहें तो इसका ग्राफ भी देख सकते हैं और उससे भी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे लगभग 400-500 रुपए तक का लॉस चल रहा है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऊपर टाइम भी देख सकते हैं, मैंने लगभग 9:18 पे शेयर खरीदा था और अभी 9:20 हुए हैं। मैं थोड़ा सा स्किप भी कर रहा हूं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहां पे आपने देखा कि अभी 3 मिनट हुए हैं और मैं थोड़ा सा 600-700 रुपये के लॉस में गया था और अभी 200 रुपये तक का प्रॉफिट में आ चुका हूं। अब देखते हैं मुझे अच्छा प्रॉफिट कितनी देर में होता है। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ा सा 1 मिनट और स्किप किया और अभी मैं लगभग 700-800 रुपीस के प्रॉफिट में आ चुका हूँ। मैंने आपके सामने 6,500 रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और लगभग मैं 400-300 के प्रॉफिट में हूँ। अभी कुछ भी हो सकता है, मैं वापस लॉस में भी जा सकता हूँ, पूरा 6,500 रुपये का मुझे लॉस हो सकता है या फिर कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। 1,400 का प्रॉफिट हो गया, 1,300-1,400 तक मेरा प्रॉफिट हो चुका है। आप अगर मेरा टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो अभी लगभग 2,600 के आसपास, 3,400 तक मेरा प्रॉफिट हो चुका है, 3,500 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। मार्केट खुले हुए अभी सिर्फ 7 मिनट हुए हैं, 4,000 का प्रॉफिट हो चुका है, 4,200, 4,300, 4,400। मैं अगर अभी बेच 5,600, 5,300, 5,400 अगर मैं इसे अभी बेच देता हूँ तो मेरा टोटल प्रॉफिट मेरा है, मुझे कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं है। 4,500, 4,700, 4,900, 5,100, 5,400, मतलब मेरा 5,000 तक का प्रॉफिट हो चुका है। आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ 6,500 रुपये लगाए हैं, आपके सामने लगाए हैं, 5,000 का प्रॉफिट हो चुका है और मार्केट खुले हुए अभी सिर्फ 8 मिनट हो रहे हैं। मैंने लगभग 90 रुपीस के हिसाब से शेयर खरीदे थे, अभी ये 139, 140 के आसपास, 143, 146, मतलब बोलने तक तो ये बढ़ जा रहा है, 148 तक पहुंच चुका है। तो मुझे अभी लगभग 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं वीडियो के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जैसे ही 6,000 होगा मैं इसे बेच दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसे सेल करने जा रहा था वैसी मेरी रिकॉर्डिंग गलती से बंद हो गई, लेकिन मैंने इसे 6,080 रुपये के प्रॉफिट में बेच दिया। आप ऊपर टाइम भी देख सकते हैं, 9:18 पे मैंने इसे बाय किया था और 9:23 पे मैंने इसे सेल किया और मेरा टोटल प्रॉफिट है 6,080 रुपये। और अगर इस ट्रेड की बात करें तो इसमें भी मुझे लगभग 4,800 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है और अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो मुझे 10,000 रुपये से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता। ये ट्रेडिंग मैंने सिर्फ 6,500 रुपये लगा के इसलिए की क्योंकि जो एक एवरेज इंसान होता है उसका बजट इतना ही होता है और आपने देखा कि मैंने आपके सामने ही 5 मिनट में लगभग पैसों को डबल कर ही दिया था। तो आप भी ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट ध्यान रखें ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। आपने देखा मैंने 90 रुपीस के हिसाब से शेयर खरीदे थे और 152 रुपीस के हिसाब से बेचे, लेकिन 90 रुपीस से वो 2 रुपीस पर भी आ सकता था, इवन 10 पैसे पे भी आ सकता था, उसमें कोई गारंटी नहीं होती, वो कितना भी गिर सकता है और कितना भी बढ़ सकता है। लेकिन आपका जो लॉस होगा वो जो पैसा आपने लगाया है उतना ही होगा और प्रॉफिट होगा तो वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स भी हो सकता है, बट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, पूरा पैसा भी डूब सकता है। इवन एक बार मैंने 80,000 रुपए लगा रखे थे और मैं 2,50,000 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन 10 सेकंड में ऐसा कुछ हुआ कि मैं 2,50,000 के प्रॉफिट से 60,000 रुपए के नुकसान में आ गया था। तो आप सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको 2-3 एडवाइस दूंगा, उसे जरूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद आप घर बैठे अपने फोन से शेयर खरीद और बेच पाएंगे और ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। और अगर आप ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल ब्रोकिंग में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहाँ ज़रूर खुलवा लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है।
अब दोस्तों तीन एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूँ उसमें सबसे पहले नंबर पर है कि जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तब आप ज़्यादा देर तक एक ही ट्रेड पे मत अटके रहिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है तो उसको सेल कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा देर तक वेट करते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, आपका पूरा मामला रिवर्स भी हो सकता है। दूसरा, ज़्यादा लालच मत करना। अगर आपको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं तो उसके बाद सेल कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा लालच करोगे तो फिर हो सकता है कि पैसे डूब जाएं। और तीसरा, लाइफ में कभी भी लोन लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।